ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो वणि मंगलं कुंदकुंदारु जैन धर्मो सुमंगलं अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुन महाराज की आत्मा की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, ऐसे एक नीति पड़ी थी। संसार में जब कभी भी आपत्ति आ जाती है तो उसमें कुछ छोड़ी जाती है किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे ऐसे बताते बताते जब अपनी ओर ही वह आपत्ति आ जाती है तो उस समय सबको छोड़ना पड़ता है। आत्मा की प्राप्ति के लिए सबको छोड़ना पड़ता है, इसका अर्थ क्या धर्म को छोड़ दे? वहां पर प्रसंग धर्म नहीं था, किंतु आत्मा की प्राप्ति के लिए शरीर पर भी यदि मान लो इस प्रकार का प्रसंग आ जाता है तो शरीर की भी प्रतीक्षा न करें, क्योंकि शरीर के माध्यम से यदि हम अपने चारित्र का आचरण कर सकते हैं तो उस शरीर के लिए भी कुछ वेतन आदि दें, किंतु जब यह बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि वह शरीर ही जाने वाला है तो उस समय आत्मधर्म को न छोड़े। संसारी प्राणी आत्मा को छोड़ करके सबको तो अपनाता आ रहा है लेकिन आत्मा को छोड़ता आ रहा है। जब हम आत्मा के सुख की बात करते हैं तो आत्मा यदि गौण हो जाए तो सुख का अनुभव कौन करेगा? जब हम धर्म की बात करते हैं, जब आपत्ति आ जाती है तो धर्म ही छोड़ देंगे तो हमें बचाने वाले और कौन मिलेगा? रक्षति रक्षित, दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, अंतर थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन इसकी गहराई में जब हम पहुंचते हैं तो ज्ञात होता है वस्तुतः हमारी रक्षा किसके पीछे है। हम सबको रक्षित करने के लिए चाहते हैं लेकिन शुद्ध भाव अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए कभी भी तत्पर नहीं हो जाते। मान लीजिए आपके घर में आग लग गई तो उस समय आप क्या करेंगे? ये शास्त्र में उदाहरण दिया ऐसा, तो उसको बचाने का प्रयास करेंगे, नहीं बचते तो क्या करेंगे? तो जिसके माध्यम से जीवन चलता है उन सामग्री को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। उसमें भी मान लो पूरे नहीं निकाल सकते तो फिर कौन सा करेंगे? जहां पर धन रखा है और आभरण आदि हैं उनको लेने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए वो आपके हाथ नहीं आने वाले हैं तो आप सबको छोड़ देंगे जड़ को, और अपने घर के परिवार सदस्य कितने हैं उनको पहले बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में भी जब सबको आप नहीं निकाल सकते हैं तो उस समय क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे बताओ? स्वयं को निकालेंगे। अब मान लीजिए स्वयं भी अटक गया है तो उस समय क्या करेंगे? उस समय हम जो अविनश्वर तत्व आत्म तत्व है उसके बारे में
पार्श्वनाथ भगवान को याद करेंगे, भगवान आपने कैसा किया है इतना बड़ा तप, और इतना बड़ा तप इसलिए आपने किया है क्योंकि आपने सर्वस्व का त्याग कर दिया था, तब इतना बड़ा तप उन्होंने किया। हम त्याग नहीं कर सकते तो तप भी नहीं कर सकते। शरीर के अधीन हुआ है संसारी प्राणी, कदम कदम पर शरीर का दासता दासत्व को ही स्वीकारता चला जाता है, बहुमूल्य समय खर्च कर देता है। धन का मैं मूल्य नहीं मानता हूं, किंतु समय का सबसे ज्यादा मूल्य मानता हूं, क्योंकि 9वें अध्याय में कहा गया है सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंद वियोजक दर्शन मोह शपकोप शंकोप शांत मोह शपक्षीन मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। यह क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा करने वाले होते हैं। कितने समय में? घंटों में, एक समय में असंख्यात कर्मों की निर्जरा की जा सकती है अपने शुद्ध परिणामों के द्वारा, अपने गुणस्थान के अनुरूप। ये सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म यही है जो बंधन से हमें छुटकारा दिलाता है। ऐसा धर्म वीतराग धर्म अपने उपलब्ध हुआ है तो पार्श्वनाथ भगवान ने भी यही सोचा, अनंत काल से देह की सेवा करता आया हूं, यदि और भी करूंगा तो देह पुनः मिलेगी। देह की सेवा नहीं करते हुए देह के माध्यम से आत्मा की सेवा करूं तो आत्मा अविनश्वर बन जा और देह की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आप जेल से बचना चाहते हैं, जिस प्रकार आप सामान्य रूप से जेल से बचना चाहते हैं, उसी प्रकार मुमुक्षु देह से बचना चाहता है। देह जब मिली है तो उसे कैसे बचें? तो उसके मोह से बचा जा सकता है। देह को आपा, आत्मा को आपा मान करके चलने वाले ये संसारी प्राणी मोही देह का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता। धन का तो त्याग कर सकता है और सब कुछ त्याग कर सकता है, लेकिन वह देह का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि मान लो कि गरीब से गरीब भी व्यक्ति है और उसको यह कह दिया जाए तुम्हें करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, अपने पर प्राणों को छोड़ दो, वह कहता है ये बहुत अच्छे आपने उदारता के साथ मेरे हित के बारे में सोचा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन आप इतने अविवेकपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। कैसी बात कह रहे हो अविवेकपूर्ण? आपके लिए मैं करोड़ रुपए राशि घोषित कर रहा हूं और अविवेकपूर्ण कैसे? भाई साहब थोड़े तो सोचो, मेरे लिए आप करोड़ रुपए की राशि घोषित कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्राणों के विसर्जन के लिए भी कह रहे हैं आप। जब प्राणी नहीं रहेंगे, देह ही नहीं रहेगी, तो ये करोड़ रुपए राशि किसके लिए है? बात तो बिल्कुल ठीक है। यदि अकलंक जैसे निकलंक जैसे होते वो तैयार हो जाते, देह को तो हम छोड़ने के लिए तैयार है, आत्मधर्म को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं। जिसके माध्यम से हम अनादिकाल से चल रहे हैं और आगे हमारी उन्नति होने वाली है, उस धर्म को कभी भी हम छोड़ नहीं सकते। शरीर मिला और मिलता रहेगा और शरीर की हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान जो होते हैं वे शरीरातीत हुआ करते हैं, और शरीर के ऊपर जब आपत्ति आती है उसी समय त्याग धर्म की विशेषता समझ में आने लग जाती है। धन का त्याग त्याग नहीं, किंतु धर्म के लिए जो राग का त्याग माना जाता है वह धन के साथ भी होता है, शरीर के साथ भी होता है, मकान के साथ भी होता है, और भी बहुत प्रकार की चीजों के साथ हुआ करता। उसके प्रति राग त्याग करके धर्म की रक्षा के लिए जो व्यक्ति
आगे हो जाता है वो वस्तुतः धर्म की सेवा करने के लिए तत्पर है। अहिंसा धर्म के उपासक, आत्म धर्म के उपासक मुमुक्षु माना जाता है, वह जड़ द्रव्य की उपासना उसे इष्ट नहीं लगती। भले ही इस उपासना के क्षेत्र में उस धन के यदि उपयोग होते हैं तो उसको भी वह उस धर्म की रक्षा के लिए लगा करके अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करता रहता है कि कम से कम इस निमित्त से मैं धर्म की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए तत्पर तब हुआ जबकि कुछ धन का मोह छोड़ दिया, तभी तो इतने कदम उठाए जा सकते हैं। जिन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली, जिन्होंने सर्वस्व का ही त्याग किया, उस त्याग का कितना महत्व है। कुछ रख करके कुछ त्याग करते ही वो दान में आ जाता है, और जो संसार के कारण मान करके उसका त्याग करते हैं उस त्याग धर्म की बात आज यहां पर की जा रही है, जिसको उत्तम त्याग बोलते हैं। उत्तम त्याग का अर्थ क्या होता, जो अच्छी उत्तम चीज रहती है उसका त्याग किया जाए। उत्तम चीज क्या होती है, धन है, दौलत है, वो है, ये है, वो और ये है, क्या बताओ उसमें क्या है, वो और ये क्या है उसमें बताओ। नहीं नहीं, दुनिया के बहुत सारी चीज आ जाते हैं, ये है, वो है, वो है, तो उसमें क्या है बताओ, उसमें और कुछ नहीं, बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है। नहीं, जिन्होंने सर्वस्व जिसको बोलना चाहिए त्याग कर दिया धर्म के लिए, उसको त्याग धर्म बोलते हैं, और उसी के पीछे उत्तम ये शब्द जुड़ जाता है। उत्तम शब्द इसलिए जुड़ जाता है, वह कर्म की निर्जरा के लिए, वह राग के क्षय के लिए, मोह को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता हुआ कदम है। धन्य है वे जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया, और समझ करके आत्मा के ऊपर जो धूल बैठी है, आत्मा के ऊपर जो कीचड़ का लेप हुआ है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी धूल हुआ करती है फूंकने से भी वह उड़ जाती है, कुछ धूल ऐसे होते हैं जब वह हम पानी से धो लेते हैं तो निकल जाती है, कुछ धूल ऐसे होते हैं उसके लिए विशेष रूप से रसायन का प्रयोग किया जाता है, किंतु कोई ऐसे भी धूल होती है कोई भी प्रयास करो वो उठती नहीं, उसके लिए जो कुछ भी मिला है वो सब का त्याग हो जाता है अनिवार्य, तब उसके लिए वह तैयार हो जाता है कि हाँ हाँ अब हम उठ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह लखपति हो, चाहे हजारपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे और खरबपति हो, चाहे वो चक्रवर्ती हो, उसके लिए कहा जाता है तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा। अब चक्रवर्ती कहता है मैं 6 खंड को छोड़ रहा हूं, 9 निधियां छोड़ रहा हूं। बात ऐसी है कि ये कर्म के उद्देश्य मिला है, ये कोई हजारपति है और वह 1000 रुपए कमा करके अपना जीवन चला रहा, वह भी 1000 रुपए त्याग करता है। अरे तुम्हारे क्या 1000 का त्याग, हमारे तो करोड़ क्या, अरब क्या, खरब क्या, 9 निधियां समाप्त कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं भी उतना ही कर रहा हूं। कैसी कर रहे हो, 5 अंक के बराबर भी नहीं है, नहीं है, जो कुछ भी पाया था संग उस सब को तो हमने छोड़ दिया, इसलिए 5 अंक क्या हूं, सबसे बड़ा किया। और यही मान लो करोड़पति अरबपति होकर के करोड़ भी रुपए खर्च कर देते हैं तो भी वो सर्वस्व त्याग नहीं माना जा सकता। सर्वस्व त्याग तो जैसे निष्कलंक ने किया, अकलंक ने किया, कुछ भी रहा नहीं, रहा क्या, आत्म तत्व है, धर्म है, वही हमारे साथ जाने वाले हैं, बाकी ये बीच में मिलन होता है और छूट जाता है। धर्म कब एक बार मिल जाता है तो वह छूट नहीं सकता, ऐसा परम धर्म दुर्लभ हमें प्राप्त हुआ, उसको और उन्नत और सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ भी छोड़ना पड़े
हम आगे पीछे नहीं देखेंगे। पूछना पड़ता है, इतना दान करते हैं तो भैया भैयाओं को पूछो, माता पिताओं को पूछो, घर वालों को पूछो, पत्नी को पूछो, प्रत्येक सदस्य मेंबर ऑफ फैमिली अनिवार्य होता, उसके बिना भैया वो दान तो बाहर आ नहीं सकता। लेकिन जिसको जिसको पूरा ही छोड़ना है वह पूछने के लिए भली और औपचारिक चले जाए और वह मना कर दे, आपको क्या चाहिए? दुनिया में बहुत कम लोग नहीं, धन दौलत इत्यादि जो है ना आप ले जा नहीं सकते, ठीक है आप अपने पास रख लो, और वह उठ करके चला जाता। उसके पीछे कौन कौन गए बताओ मुझे, थोड़े धीरे से बोल रहा हूं क्या, जोर से बोलू? जिस किसी ने पूरा त्याग कर दिया उसके पीछे मां गई, पिताजी गए, भाई, भुजाई, बहन, और कोई नहीं, तो फिर जाओ मत बेटा, जाओ मत बेटा, जाओ मत बेटा, जाओ मत बेटा, तो कुछ औपचारिकता कर देंगे, फिर बाद में वहीं कहीं रह जाएंगे। अब भैया वो मानते हैं नहीं, हमने बहुत मनाया लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं, हम क्या करें, हमें तो घर नहीं छूट सकता, हमें अभी और लोगों का कल्याण भी करना है, इसलिए अब हम रहते हैं, वो चला गया कोई बात। इसके पीछे इतना बड़ा रहस्य है, दुनिया कहती है परिवार 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 है, वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, अपने स्वार्थ के लिए ही रहता है, बिल्कुल दूर रहता है। कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, एक दो दिन भले ही रोल हो ले लेकिन तीसरे दिन वही पूर्वत आचरण चर्या और सब कुछ निर्विकल्प दशा। दो तीन दिन ज्यादा ज्यादा 15 दिन लग जाए, एक पखवाड़ा निकल गया बस, पाक्षिक पत्रिका में आ जाती है खत्म, और वो पत्रिका में आ जाते हैं फलाने व्यक्ति इस प्रकार से घर छोड़ करके गए, हम उनके लिए श्रद्धांजलि, और इससे क्या कर, लेकिन वह अंजलि ही बस, यही श्रद्धा की एक बार अंजलि छोड़ दी, बस इतने पूरा का पूरा रखा रहेगा, वो नहीं छोड़ा जाएगा, ये श्रद्धांजलि, बस एक अंजलि छोड़ करके काम हो गया, ये श्रद्धा की अंजलि है। भीतरी श्रद्धा है क्या, यदि होती तो पूरे परिवार के साथ लग जाते, महाराज कौन किसका साथ देता है, ऐसा है धर्म सबका साथ देता है लेकिन उसके साथ कोई नहीं देता, इसलिए रक्षति रक्षिता है, जिसने धर्म की रक्षा की, धर्म के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, वो कहीं भी चले जा उसकी रक्षा वह करता रहता है, उसका ज्ञान, उसका तप, उसका चारित्र, जो कुछ भी वह निखार का अनुभव करता है उस त्याग के साथ ही। यदि अटैचमेंट राग संबंध दूसरे पदार्थ के साथ लगा, समझ लो वह किसी भी प्रकार से धर्म का समार्जन नहीं कर सकता। त्याग के साथ धर्म लगा हुआ है, बाकी जितने भी टाइटल है उपाधियां हैं वह तो उसी के अनुकरण करती है, त्याग नहीं है तो कोई धर्म नहीं। कल से सुबह आज कहा था कि त्रियंच त्रियंच जीवन के आदि से लेकर के अंत तक वैसे नीच गोत्र के साथ रहता है। वीरसेन स्वामी ने कहा जो ही संयमा संयम धारण कर लेता है तो ही उसकी नीच गोत्र उच्च गोत्र में परिवर्तित हो जाता है। एक बात इसमें रखनी है वह यह है कि चूंकि त्याग के दिन है कि सम्यक दर्शन भी धर्म का अंग माना गया, सम्यक ज्ञान भी धर्म का अंग माना गया, और सम्यक चरित्र भी, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग होता है। किंतु चरित्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है,
सम्यक दर्शन की भी बात करना चाहिए, सम्यक ज्ञान की भी तो बात करना चाहिए। अकेले सम्यक दर्शन के साथ भी त्रियज होते हैं, उस समय सम्यक दर्शन का अंग सम्यक ज्ञान ये दोनों होने के उपरांत भी नीच गोत्र की उदीर्ण समाप्त होकर के उच्च गोत्र की उदीर्ण क्यों नहीं हुई, एक बहुत मार्गी की बात है और ये धौला जैसे महान ग्रंथ की बात है कि उससे पहले सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, वो धर्म नहीं था क्या? उस समय नीच गोत्र के उच्च गोत्र में क्यों परिवर्तन हुई? और जो ही सही वहां सही मिले लेते हैं तो क्यों ही उसके पास निर्जरा हो जाएगी, और निर्जरा के साथ साथ नीच गोत्र के उच्च गोत्र में परिवर्तन कैसे हुआ? उसको उन्होंने कहा गुण प्रत्यय, मतलब सम्यक दर्शन कोई गुण नहीं, सम्यक ज्ञान कोई गुण नहीं, और आपने सहिमा सहिम धारण कर लिया और उसको गुण घोषित कर दिया। भैया आगम में घोषित किया तो हम क्या कर सकते हैं? इससे स्पष्ट होता है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होते हैं और सम्यक चारित्र होता नहीं है, ग्रहण किया जाता है। और क्या कैसे ग्रहण किया जाता है? एक को छोड़ा जाता है तो दूसरे को ग्रहण किया जाता है, क्या कर लिया जाता है, क्या क्या कर लिया जाता है? राग द्वेष अथवा कषाय का त्याग किया जाता है, जिसके प्रति राग होता है उसका त्याग होने से भीतर का राग समाप्त हो जाता है, तो वहां पर उत्तम त्याग आ जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी अनंतानंद जी का त्याग किया था महाराज, मिथ्यात्व का त्याग किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, और फिर भी उसको हम गुण नहीं कहे और निर्जित ने अपने नीच गोत्र की उदीर्णा रोक कर ये उच्च गोत्र में नहीं आए। तो आचार्य कहते हैं दृष्टि में कोई चारित्र का आयाम विशेष रूप से नहीं हुआ करता, दृष्टि बदल गई मुख चारित्र की ओर हो गया भले ही, किंतु अभी उसको पहाड़ जैसा लग रहा, अभी उसको पहाड़ जैसा लग रहा है, इसलिए वह व्यक्ति त्याग के लिए अभी उद्यम नहीं कर पा रहा। और जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के उपरांत उद्यम कर लिया कि नहीं अपने को त्याग करना, उन्होंने क्या त्याग किया? अभिसंविदात वृत्ति, क्या बोलते? हाँ चारित्र बोलते हैं, हाँ विषयाद योग्यात व्रतम व्रति ने अभिसंधिकृता व्रति, जो अभिप्राय पूर्वक संकल्प पूर्वक त्यागने योग्य पदार्थ को त्यागता है उसी का नाम व्रत है। एक त्यक्त होता है, एक चावित होता है, एक च्युत होता है, इन तीनों में अंतर है। चावित दूसरे के द्वारा वह दूर किया जाता, च्युत समय पर अपने आप च्युत हो जाता, त्यक्त वह बुद्धि पूर्वक अभिसंधिकृता वृत्ति, अभिप्राय पूर्वक संकल्प पूर्वक जो छोड़ देता है उसके प्रति उसका बुद्धि पूर्वक राग का अभाव हो जाता है। और बुद्धि पूर्वक जैसे जिसे किसी पदार्थ के साथ अपने राग रखा था, राग किया था, उसको उसने ही राग पूर्वक छोड़ने का भी अभिप्राय होना चाहिए। जिस वस्तु को आप राग पूर्वक ग्रहण करते हैं उसको उतने ही प्रयास के साथ बुद्धि पूर्वक छोड़ना होता, और यह छोड़ना कोई 100 रुपए का त्याग कर दे, 1000 रुपए का त्याग कर दे, करोड़ रुपए का, जिसकी जितनी है वो पूरा का पूरा छोड़ने का नाम त्याग है, और कुछ छोड़ने का नाम दान है, एक देश छोड़ने का नाम देश व्रत है। आज त्याग का काम है, आपको त्याग करना है, क्या त्याग करना? जो है उसका त्याग करना, जो नहीं है उसका त्याग नहीं करना, जो है उसमें त्याग करना। एक बार की बात है, महाराज जी भी थे उस समय, एक व्यक्ति खड़े हो गए, महाराज आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इतनी सीमा के बाहर कोई वस्तु नहीं रखूंगा। बहुत अच्छी बताई, बहुत अच्छी सीमा बना दी इन्होंने, क्योंकि इसके आगे नहीं बढ़ना, देश व्रत हो गया तो संख्या भी तो बताओ कम से कम।
तो उसने बताया 5 करोड़ महाराज, 5 लाख की स्थिति नहीं थी, 5 लाख की स्थिति नहीं थी और 5 करोड़ की बात कर दी। महाराज कम से कम हमने उस सीमा को तो मान ली। सोचने की बात है, कितने वर्ष से व्यापार कर रहे हो? 50 वर्ष हो गए महाराज। 50 वर्ष में अभी लखपति नहीं बन पाए, 5 करोड़ की बात करते। देखो महाराज, ऐसा है कि कोई पुरुषस्य भाग्यो देवो ने जाना दी, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में भी पुरुष हूं भगवान, और कभी भाग्य हो गया तो अगर लॉटरी खुल गई तो मान लीजिए 5 अरब की संपदा आ गई, तो फिर भी कम है। बात तो बिल्कुल ठीक है महाराज कहने में, लेकिन सही सही बताओ, यह संकल्प बुद्धि पूर्वक है? महाराज बुद्धि तो है ही, लेकिन डावाडोल करके किए है क्या? इतना होना तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कर लो। इसका नाम त्याग नहीं कहते, बल्कि 5 करोड़ की मांग है ये। नहीं समझे, ये 5 करोड़ की मांग है। तो महाराज ऐसे है कि त्याग के माध्यम से मांग की पूर्ति होती है, त्याग के माध्यम से मांग की पूर्ति होती है। ये रास्ता तो है, लेकिन इसको हम त्याग नहीं कहेंगे। एक सीमा तो बॉर्डर्ड तो है जीवन, सीमित हो जाना यह भी एक अच्छा माना जाता है, लेकिन विषयों की ओर कितना अपना आकर्षण है ये इससे फलित हो जाता है। जबकि इंद्र भी वर्षों तक सेवन किया, अपने सागरों को आयु व्यतीत कर दी, फिर भी जब तृप्ति नहीं हुई और वे धर्म की बातें करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज कुछ हमने किया। भगवान के दर्शन करते समय यक्षा शक्र सहस्राक्ष, हे भगवान आपका रूप देखते देखते 2 आंखों के द्वारा तृप्ति नहीं हो पा रही है। 1000 आंखें बना लेता है फिर भी वह तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। धर्म को अंगीकार करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं होना चाहिए, अतृप्त ही रहना चाहिए। त्याग करते हुए भी और त्याग करूं और त्याग करूं ये भावना रखनी चाहिए। हाँ महाराज, हम त्याग तो बाद में करेंगे, कुछ मिल जाए। मिलने की उपरांत नहीं, जो है उसमें से त्याग करने का प्रारंभ करना चाहिए। जितना है उसमें से त्याग प्रारंभ करो। अभिसंधि कृता व्रते विषयात योग्यात कृतम व्रते, मिले फिर बाद में त्याग करें। राग पहला हुआ फिर बाद में उसमें से थोड़ा सा त्याग। ये वैश्य वृत्ति बनिया वृत्ति बहुत ये रहती है। एक शीशी लेकर के गए, उसको 1/2 किलो या 1 किलो तेल लेना था। समझ में आ गई पहले से? नहीं समझ। खाली शीशी लेकर के, और शीशी बहुत बड़ी थी, उसमें 8-10 किलो आ सकते, इतने बड़ी बड़ी। और वह लेकर के गया, उसमें नाप से 4-5 किलो जो कुछ भी आना था उतना खरीद लिया। फिर बाद में कितनी कीमत बताओ? तो इतनी है, 50 या 60 जो कुछ भी बता दे। इतनी महंगी हमें नहीं चाहिए, डाल दो तेल, ले लवा लो। चलो भैया चलो, देर हो रहा, बगार का काम तो निमट गए। एक तो पर्याप्त है। ऐसा भी होता है, कुशलता है ये,
राग इतना है क्या कहें, एक दाम के लिए भी हम आगे पीछे देखते रहते हैं। इतना पूरा का पूरा जो सर्वस्व मिला उसका त्याग कैसे हम कर सकेंगे, ये को समझ में नहीं आया। और पार्श्वनाथ भगवान ने, महावीर भगवान ने और नेमिनाथ भगवान ने, इन्होंने ऐसे के कुछ भोगा ही नहीं। बाल ब्रह्मचारी रहे, युवराज राज्य पे पद ही नहीं अंगीकार किया और मिल रही है संपदा पूरी पूरी, आपके बिना हमारे लिए कोई भी रक्षा करने वाला नहीं और आपकी सेवा में पूरी जनता है, नहीं एक भी नहीं बात मानी सुनी नहीं और तीनों निकल पड़े। क्या त्याग है। और हम आगे पीछे देखते हैं त्याग करने के उपरांत कितना त्याग किया, कितना क्या किया, ये लिखा हुआ है नहीं कि देख लो भैया मंदिर में तो कोई बोर्ड ही नहीं लगाया है, किसका बोर्ड। रह जाता है तपने के उपरांत, रह जाता है। जब आप नवनीत तपा देते हैं तो घी बन जाता है, घी बन जाता है तो घी घी को निकाल लेते हैं और उसमें कौन सा रह जाता है, वो मरी मरी हुई रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदी जैसी लगती है, हैं? फिर भी वो जिंदी जैसी लगती है। उसको भी खरोच खरोच करके खाने की आदत नहीं छूटती, इधर तो घी रख दिया और उसी ओर दृष्टि चली जाती, मरी है वो फिर भी मरी नहीं, उस ओर दृष्टि जा, उसको क्यों छोड़े जाए। हाँ, आत्मा जब तप गई, भीतर जो कुछ भी था मल विकार वो सारा का सारा दूर होना चाहिए, तभी उस तपस्या का फल है, नहीं तो वह तप नहीं माना जाता। तप्यते कर्म क्षयार्थम इति तपः, जो कर्म के क्षय करने के लिए तप किया जाता है वह तप है, और कर्म क्षय के लिए यदि त्याग किया जाता है उसी का नाम त्याग भी माना जाएगा। राग द्वेष की निराकरण करने के लिए यह त्याग हमारे अमोघ शस्त्र का काम करता है। हमें कर्म त्याग नहीं करना, कर्मों को त्यागा ही नहीं जाता, नहीं तो हम एक ही साथ उसको त्याग कर देंगे। कर्मों के प्रति लोभ किसी का नहीं है, किंतु कर्म के उदय में जो विषय सामग्री मिलती है इस वजह से कर्म करते रहते हैं, इस वजह से धर्म करते रहते हैं, ये उद्देश्य न रखे। और वह कर्म त्याग करने के लिए जिन पदार्थों के प्रति हमारा राग है उन पदार्थों को छोड़ो, आत्म शुद्धि के लिए बाह्य पदार्थों का त्याग ही यहीं से प्रारंभ हो जाता है। भीतरी त्याग करने के लिए बाहरी त्याग अनिवार्य है। जो व्यक्ति भीतरी भीतरी बात करते चले जाते हैं और बाहरी त्याग नहीं करते हैं, वो व्यक्ति विपरीत चल करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा और वह उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग उसको जान सकेंगे और ये बता सकेंगे बिना मैं पूछूं, और आप कहेंगे कि इसमें कौन सा सही है। देखो, चावल बनाना है, भात जिसको आप बोलते, तो क्या लिया ना, चावल चाहिए पहले, तो चावल ऐसे नहीं मिले बाजार में, क्या मिले बाजार में, बाजार में मिले धान, धान आप जानते हैं जिसके ऊपर छिलका रहता है उसके। अब चावल बनाने के लिए क्या करना है, वो कहता है देखो बाहरी त्याग की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि चावल के यदि ललाई हट जाएगी तो निश्चित रूप से चावल अपने को अच्छे मिल जाएंगे और उसके द्वारा चावल भात बन जाए। ऐसी कोई मशीन है, ऐसे कोई आपके पास पदार्थ है जिसके माध्यम से ऊपर के छिलके को हटाए बिना और भीतरी चावल के ऊपर ललाई जो है वो उठाई जाए, निकाली जाए। क्यों भैया, प्रतिदिन तो चावल बनाते हो, हैं? नहीं, देखो अपने को कम समय में अच्छा काम करना है,
धान के ऊपर छिलका को हटाओ, फिर बाद में वो करो ये करो। देखो ऐसे कोई मशीन आ जाए बिल्कुल ठीक हो जाए, ऊपर के छिलका तो बना रहे उसमें क्या बात, क्योंकि वो छिलके में छिलका है। हाँ, छिलके में छिलका है। हाँ, इसलिए उसको हटाने की कोई आवश्यकता। छिलके को हटाने का अर्थ यह है कि हम अपने आत्मा की बात तो नहीं कर रहे हैं और ऊपर की चीज इधर की चीज इधर रखना चाह रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। लेकिन बात ऐसी है, कोई भी व्यक्ति इस बात को मंजूर करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है, ये प्रतिदिन की बात है। हम सर्वप्रथम चावल को चाहेंगे तो ऊपर की छिलकी को उतारना ही होगा। बिना छिलकी को उतारे भीतर के चावल को हम शुद्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार बाहरी जितने भी ये छिलके हैं, इन छिलकियों को जब तक नहीं उतारोगे तब तक आत्मा के ऊपर जो ललाई राग है उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता। बल्कि यूं कहना चाहिए एक साथ भी उतारा जा सकता है। आज के जितने भी मशीन हैं, अब देख लो, धान उसमें डाल दिया जाता है और चावल सामने आ जाता है। ये युगपत होता है। कोई किसी ने कहा पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान की भी चर्चा करो, फिर बाद में चारित्र की बात करो। ये युगपत हो नहीं सकते। आज की ये मशीन इसके प्रतीक हैं, उदाहरण हैं। उसमें इधर डाल दो इधर ले लो। आजकल तब ऐसे भी सुनते हैं, मशीन में डाल दो धान भी निकल जाएगा, ललाई भी हट जाएगी और चावल पक भी जाएगा और खिचड़ी सामने भात भी आ जाएगी। ऐसी भी मशीन है। ये युगपत इसी को बोलते हैं। अनादि काल का भी मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ प्राप्त कर सकता। और धौला में इस प्रकार के उदाहरण सैकड़ों हैं। त्रियंज भी एक साथ संयमा संयम को अंगीकार कर सकता है, और एक मनुष्य है और पुरुष है तो एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को प्राप्त कर सकता है। होनी चाहिए अपने पास कैपेसिटी, उसके अनुसार कार्य होता। ललाई को चावल के ऊपर से हटाने के लिए यह आवश्यक होता है छिलके को उतारना। जो छिलके उतारे जाते थे, पहले मशीन नहीं थी तो कैसे उतारते थे, मूसल के द्वारा छिलके उतारते थे। लेकिन ये ध्यान रखना, दो प्रकार के मूसल होते हैं। ऊपर के छिलके को निकालने वाले अलग होते हैं और भीतरी चावल के ऊपर जो ललाई है उसको उठाने वाले अलग होते हैं। उसकी मार अलग पड़ती है, इसकी मार अलग पड़ती है। मार पड़ने के उपरांत ललाई हट जाए, छिलके हट जाए और अखंड सुख प्राप्ताय अक्षितम निरोपामिति। स्वाहा तो बोलो। ये वह अखंड कैसा रह जाता है, ये उनकी कुशलता है। ललाई को भी हटाई जाती है और ऊपर के छिलके को भी हटाया जाता है, फिर बाद में सुगंधित वह भात तैयार हो जाता है। यदि ललाई नहीं हटती है तो वह जल्दी नहीं पकता, होता है ना, क्यों बोलो ना महाराज। ललाई हट जाए तो वह जल्दी पक जाए, नहीं ललाई हटती है तो पकती नहीं, और उसमें स्वाद भी गंध भी नहीं आ पाते। आप आत्मा को सुगंधित करना चाहते हो तो ऊपर की छिलके को पहले उठाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि बाहरी परिग्रह छोड़ने के उपरांत भी जैसे चावल चावल के ऊपर ललाई रहती है, वह हटे भी और नहीं भी हटे, उसी प्रकार पदार्थों के प्रति जो राग चिपका हुआ रहता है वह राग हटे भी और नहीं भी हटे। लेकिन ऊपर का त्याग किसके लिए होता है, ये चावल के ऊपर जो छिलका है इसका त्याग इसलिए होता है कि भीतरी चावल को भी शुद्ध करना है। यही एकमात्र उपक्रम है और क्रम है। जब यह लक्ष्य है तो अपने को सोचना चाहिए, भीतरी आत्मा को वीतराग बनाना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आज तक रिकॉर्ड में
ऊपरी परिग्रह इत्यादि को त्याग किए बिना, अरे पर का त्याग थोड़े ही होता, अपने आत्मा में जो राग होता उसका त्याग होता, उसी का त्याग त्याग माना जाता, क्योंकि वस्त्र त्याग के उपरांत भी उसको वीतरागी नहीं बोलते, राग हट गया वीतराग हो गया। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राग किसके वजह से रुका हुआ है ये मुझे बताओ। बाहरी पदार्थों के प्रति तो राग है, इसलिए हमारी परीक्षा हो जाती है बाहरी पदार्थ के त्याग के साथ कि हमने राग को छोड़ने का उद्देश्य बनाया है क्या नहीं है। इस बात के लिए हमें बार बार बाध्य होकर के कहना पड़ता है कि सब कुछ हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है कि जो इसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। त्याग तो होता है, त्याग होता है तो इन ग्रंथों में कहीं होता है ऐसा नहीं लिखा है। त्याग तो अंगीकार किया जाता है, जब त्याग अंगीकार किया जाता है तो कुछ छोड़ा जाता है, तो तभी तो अंगीकार किया जाता होगा। तो बाहरी पदार्थों का त्याग इसलिए अनिवार्य है, आत्मशुद्धि के लिए वह अत्यंत आवश्यक होता है। अब अपने को सोचना है, दूसरे से नहीं, अपने को सोचना है कि हमारे कौन से पदार्थ के प्रति किस प्रकार का राग जुड़ा हुआ है। मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा नहीं और बहुत पोथियों को पढ़ने के उपरांत उसकी जानकारी होती है ऐसी बात नहीं है। बहुत जल्दी उसका ज्ञान हो सकता है, बहुत जल्दी उसकी प्राप्ति हो सकती है। शर्त इतनी है कि वह उन पदार्थों के प्रति जो राग है उनको मन से वचन से काय से प्रकार के अनुमति से छोड़ दें। छोड़ने के उपरांत तो कोई लादता नहीं आपके ऊपर ला करके, कोई लाद भी दें तो भी आचार्य कहते हैं लगा हुआ आपका नहीं है, उसने लादा है। आप जानते हैं कि कोई किसी के ऊपर उपसर्ग किया जाता है और उपसर्ग ऐसा कर दिया गया, मान लो उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े ला करके रख दिए गए और उसको भीतर केवल ज्ञान हो गया, तो ये तो हम कहते हैं महाराज कपड़े त्याग करने की बात ही नहीं है यहां पर। हाँ, विचली कपड़े की दुकान में बैठे रहो केवल ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने तो त्याग ही किया है, कि दूसरे ने ला करके उसके ऊपर उपसर्ग किया, वो उपसर्ग भी उसके लिए साधन बन गया। उसकी एक मीटर कपड़े के प्रति भी उसका राग नहीं था, उसने उसके ऊपर लादा है। तो हमने यदि स्वीकार लिया और लद गए हम, तो उसको उतारना होगा। दूसरे को ही लाद देता है तो वह बाहर से लाद सकता है, भीतर से लाद नहीं सकता, क्योंकि राग हम पैदा कर सकते हैं, हम किसी पदार्थ के प्रति राग रख सकते हैं। राग के पदार्थ बहुत सारे हमारे सिर पर लाकर के कोई रख देगा तो हमारे भीतर राग हो ये नियम नहीं। अब जब रख देता है, हमने तो नहीं चाहा था, रख दिया बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत दिन पहले एक व्यक्ति के मुख से बात सुनी थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने आलू का त्याग किया था, सुन रहे हो क्या नहीं? हाँ। और वह बहुत उसके प्रति उसका राग था, त्याग नहीं कर पा रहा था। एक दिन किसी भी प्रकार मित्र के कारण इत्यादि के साथ वह बाध्य होकर के उसने त्याग कर, देखो त्याग किया, बिल्कुल मैं अब नहीं ग्रहण करूंगा, मन से वचन से कहा, बिल्कुल मन से वचन से कहा से मैं ग्रहण नहीं करूंगा, मैं आलू को खाऊंगा ही नहीं। फिर इसके उपरांत एक दिन की बात है, पंगत में गए, किसी के निमंत्रण था और गए और वहां पर बैठे, वो दोस्त भी वहीं पर बैठा हुआ था और वह परसों निकले आ गए, उसमें वही था। उन्हें कहा नहीं आलू मैं नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं आलू नहीं लेते, अच्छी बात है जूस ले लो। हाँ, जूस का तो त्याग हमने नहीं किया। और सोचे तो सोचो बाहर थोड़े एक कदम आगे, जूस डालते 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 उसमें से एक कप्पा जो है एक कोर आने लगा और उसने उसको रोक दिया, भैया वो अपने आप आ रहा,
हमने तो मांगा नहीं है, वो अपने आप गिरता है तो कोई बाधा नहीं, हमने ग्रहण कहाँ किया, परोसने वाले ने परोस दिया। तो वो दोस्त कहता है भैया ये कौन सा त्याग है, अरे भैया बाध्य करके त्याग कराना चाहो तो होगा ऐसे ही, हमने त्याग किया लेकिन ये ध्यान रखना हमने ग्रहण नहीं किया, ग्रहण तो नहीं किया लेकिन उसके प्रति जो राग है उसका त्याग नहीं कर पाए। ये निश्चित बात है बाहरी पदार्थों के त्याग के बाद भी भीतर राग रह सकता है और रहता है, उसके त्याग के लिए ये बाहरी त्याग सार्थक होता नहीं तो नहीं। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष के निवृत्ति के लिए चारित्र के शरण में चले जाते हैं विद्वान साधु और वह जीवन पर्यंत उस भेष में रह करके भी राग का यदि त्याग करने का उद्देश्य चूक जाता है तो उसका वह त्याग त्याग नहीं माना जाता। युगों युगों से इस प्रकार के त्याग हमने किए होंगे लेकिन एक बार ऐसा भी त्याग अनिवार्य है जो राग के त्याग के साथ होता है, जिस उद्देश्य को लेकर के करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही क्या नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को साधक को हमेशा हमेशा देखते रहना चाहिए। यदि उस उद्देश्य की ओर दृष्टि नहीं रह पाती है तो समझ लो हमारी बाहरी प्रक्रिया सारी की सारी फेल हो जाती है, देर नहीं लगती। इसलिए उस प्रकार के वातावरण में हम रहें ताकि हमें यदि इस प्रक्रिया में कोई कमी न आ जाए और दिनों दिन हम भीतरी उस उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहें और सफलता मिलती चले जाए। राग कम होता चला जाता तो इतना बल बढ़ता चला जाता है, इतना बल बढ़ता चला जाता है, ये भी कार्य किया जा सकता, ये भी कार्य किया जा सकता, यह भी कार्य किया जा सकता, इसके बिना भी हम चल सकते हैं आगे। कुछ ऐसी कमजोरियां रहती हैं जब तक प्रयोग नहीं करते तब तक हमें स्वयं को भी ज्ञात नहीं हो पाता और जैसे जैसे प्रयोग करते हम चले जाते हैं तो अपने आप चालू हो जाता। जब एक बार भीगते नहीं तब तक तो ठंड लग जाती, जब भीग जाते हैं तो ठंड की बात नहीं होती क्योंकि उस ओर देखना ही नहीं होता। त्याग करने के उपरांत अब इतना रह गए इतना रहेगा ये नहीं, अरे बस जब है ही नहीं हमारा कुछ यहाँ पर। कई लोग ये गाते तो बहुत अच्छे कहते हैं अन्नम परमान मित्तम पि, मेरा अन्य परमाणु मात्र भी नहीं है, मतलब परमाणु नहीं है बाकी सब। बड़ी बड़ी राशि तो हमारी है, छोटी छोटी राशि हमारी नहीं, बंडल नोट का बंडल तो हमारा है, ये रेज की ये चिल्लर, ये चिल्लर पार्टी का है, ये हमारा नहीं। इस प्रकार यदि करता है तो समझ लेना उसका अभी राग बहुत दृढ़ है और वह छोड़ने में बहुत उसको लगेगा, इसलिए लगेगा कि उसके प्रति उसका राग इतना जुड़ा हुआ है कि रात के 12 बजे भी पूछो तो पसीना आ जाता है, ठंड के दिनों में पसीना आ जाता है और गर्मी के दिनों में ठंडा पसीना आ जाता है। ठंडा पसीना का अर्थ मालूम है आप लोगों को, रवाना, हाँ बहुत ठंडा पसीना आ जाता है तो रवाने के दा वह वेला आ गई समझ। ऐसा क्यों होता है तो मुंह इतना जकड़ा हुआ रहता है वह नहीं छूट सकता। बड़े बड़े पुराण ग्रंथों में भी बड़े बड़े व्यक्तित्व के बारे में हम सोचते हैं तो वह नहीं छूट पाता, राज क्षत्रिय होते हैं लेकिन फिर भी नहीं छूट पाता। जब तक नहीं छूटता लेकिन एक बार छूट जाता है तो ऐसा छूट जाता है कि उन्हें भेद विज्ञान हो जाता है। एक एक इंच के लिए लड़ मरने वाले कौरव और पांडव, कौरव तो फिर भी उसी में मर गए लेकिन पांडव चेत गए, लेकिन वह चेतावनी बहुत देर के बाद आ गई लेकिन आई तो ऐसी आ गई कि बस सर्वार्थ सिद्धि, दो के लिए सर्वार्थ सिद्धि और सबको आत्म सिद्धि, कोई किसी की बात पर वो नहीं आए
पूरे जले लेकिन बाहर जले और उस गर्मी के माध्यम से द्वितीय शुक्ल ध्यान और गर्म हो गया। वो तो था ही भीतर लेकिन बाहरी वातावरण से और गर्म हो गया। बहुत जल्दी घातिया कर्म पक गए। फिर पकने के उपरांत कहना ही क्या था, पूरा का पूरा पकाव हो गया और अनंत काल के लिए मुक्ति का लाभ ले लिया। यह राग छूटा। देखो जब छूटा राग तो कौरवों के प्रति और किसी के प्रति भी उनका कुछ भी नहीं रहा। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, हाँ यह विषमामृत आज मिल रहा है। समामृत नहीं, विषमता नहीं छूट पा रही। राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कषाय। विश्वास होना चाहिए हम सुचिर काल से विषय भोग करते आए। त्याग अब निज पद भी, इन विषय राग को छोड़ दो और अपने आत्म पद की बात करो। यह पद तुम्हारा नहीं, ये सब पद बाहर के हैं। यह समझना बहुत मौलिक विषय है। ये सारे के सारे जैसे पर दिख रहे हैं वो पर ही है, ऐसा मान ले। दिखते तो पर, फिर भी हम उसमें तत्पर होते। छूट जाए तो पसीना आ जाता, घबराहट हो जाती, ज्वर चढ़ जाता है, क्रोध आ जाता है, अपनत्व मिट जाता है और सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाता है। क्षण भंगुर जीवन मानते हुए भी आजीवन सामग्री यदि छूटती है संसार को ऐसा लगता है एक चक्ररत्न छूट रहा था, बाकी सब मिला था लेकिन वह आगे पीछे हो रहा था। चक्रवर्ती आपे में नहीं रहा और भ्राता के ऊपर चक्र ढाल ही दिया। किसी ने कहा भ्राता को चक्र जब नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये चक्र ले ले तो ये चक्र ले ले तो आंखें लाल करके क्यों दिया। यदि देना ही है भ्राता, तुम जीत गए इसलिए तुम चक्र दे लो ले लो, ऐसा करते तो आंखें लाल क्यों। और उसमें जय जयकार क्यों नहीं हुई। यदि आप दे देते तो जय जयकार हो जाता, देखो कितनी उदारता है। तो यहां पर ज्ञात होता है, मैंने सुना था मैं चक्रवर्ती होने वाला हूं लेकिन सुना था हुआ नहीं। अब क्या करें, उसमें कौन काटा है तो उसको छोड़ दो, निकाल दो उस कांटे को। उस कांटे कैसा निकल सकता है, चक्र छोड़ दो। चक्र त्यागने में भी छूटता है और ऊपर के ऊपर ऊपर छूटता है, दो प्रकार के हैं। तो उसने चक्र छोड़ा, उसने चक्र यदि यूं छोड़ते हैं तो वह नीचे आ जाता है लेकिन उन्होंने चक्र चलाया है माने घूमता हुआ चक्र गया है। जब त्याग किया जाता है तो नीचे की ओर होता है, जब चलाया जाता है तो उसने यूं बुद्धिपूर्वक छोड़ा नहीं, छोड़ा तो है लेकिन किसके ऊपर छोड़ा, उसने त्याग नहीं किया, बाहुबली के ऊपर छोड़ा। यह त्याग नहीं, यह राग है, यह राग नहीं आग है और यह अनंत काल का दाग। आज तक इस बात को लेकर के कई बार कई व्यक्ति ने सुना होगा कि कैसा अनर्थ किया ये, अच्छा लगता है क्या बिल्कुल। आज वो मुक्ति में भी गए लेकिन भरत भगवान गए ये ठीक, लेकिन चक्रवर्ती तो नहीं जा पाए, चक्रवर्ती तो यहीं पर रह गए। ऐसे क्यों होता है, तो वह इस पद के प्रति इतना उसका लगाव था कि हमें छोड़ना नहीं। बंधु इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, इतनी बड़ी बड़ी व्यक्तित्व, शाही सम्य दर्शन इसलिए गुण नहीं माना गया,
इसलिए गुण नहीं माना गया। पंचम स्थान वर्ती हो जाता तो चक्र नहीं चलाता। पंचम स्थान वर्ती होता तो चक्र इस ढंग से नहीं चल सकता जिस ढंग से चला। संकल्पित तो नहीं कर सकते हैं, और पंचम स्थान वर्ती यदि हो जाता तो इस प्रकार विरोध होता ही नहीं, लड़ाई नहीं होती। चतुर्थ स्थान वर्ती वहां बड़े जो व्यक्ति होते हैं ना, वहां संयमा संयम धारण नहीं करते, करते हैं संयम को पूरे को पूरे। हाँ, उनके चर्या में इस प्रकार की कुछ वृत्ति हो जाती, तीर्थंकरों के लिए तो नियम रूप से हुआ करती है। तो यह बात निश्चित हो जाती है जिस समय असंयमी कुछ अपनी बात की कमी रह जाती है तो उस समय सब कुछ करने के लिए तैयार होता, लेकिन जिसने त्याग किया, संयम को अंगीकार कर लिया, वो कभी भी मन में भी भाव नहीं आता, यदि आ जाता उसी समय भाव को समाप्त करने के लिए वह प्रायश्चित कर लेता, क्योंकि उस प्रकार की क्रिया उसके जीवन में घटित नहीं होती। कर्म सिद्धांतों का यह उल्लेख मिलता है कि पंचम अनुष्ठानवर्ती जब से हो जाता है या ऊपर के संयम धारण कर लेता, उसकी लेशा कभी भी अशुभ नहीं होती। यह अशुभ लेशा का अर्थ यही है, पाप वृत्ति के प्रति उसका झुकाव हो जाता है, वह नहीं हो सकता। भले ही पाप एक दिश वह करता है पंचम अनुष्ठानवर्ती, फिर भी उसकी लेशा शुभ मानी जाती है। यह कर्म सिद्धांत का रहस्य है, यह भाव के साथ जुड़ा हुआ रहस्य है। हमें समझना है कि छिलके को उतारना है और लड़ाई को उतारने के लिए जो यंत्र आवश्यक है उसको भी खरीदना है, और उस चावल को अखंडित रखते हुए उसकी लड़ाई को भी धीरे धीरे निकालने का प्रयास करना है। हमारा संयम तो अखंड बना रहे और राग उसमें से निकलता चला जाए, निकलता चला जाए। यथाख्यात चारित्र के लिए वह अभिशाप सिद्ध है। सकल संयम के साथ भी अभी राग जुड़ा हुआ है, इसलिए इस राग संयम माना जाता है। उस राग को जितना कम करना चाहो उतना कम कर सकते हैं, करना चाहिए। उनकी भी इतनी लड़ाई है तो हम भी उतनी लड़ाई रखें, ऐसा नहीं। उनकी चावल से यदि ललाई नहीं निकल रही तो आप तो अपने चावल के ऊपर से ललाई निकाल सकते हैं, और जितनी ललाई निकलेगी उतने ही वह भात बहुत अच्छे सुगंधित बने और उसके सेवन में बहुत आनंद आएगा। जितने राग कम करोगे उतने संयम का एक प्रकार से उत्थान होगा और उसकी गंध सुगंध महकती चली जाएगी। दूसरे के लिए महक में आए या न आए, स्वयं के लिए निश्चित रूप से उसका अनुभव होता चला जाता है कि मुझे एक बार कदम आगे और बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बहुत दिन के उपरांत सोचता था बहुत दिन से कि यह कैसा कर सकूं, कर तो सकता हूं। शारीरिक नहीं, ये मानसिक ही आया है, और मानसिक आयाम के लिए केवल श्रद्धान ही काम करता है, तत्व ज्ञान भी उसमें कम काम करता है। तत्व ज्ञान लंबा चौड़ा होने के उपरांत भी मानसिकता नहीं बन पाते, यदि श्रद्धा में विकास रहता, दृढ़ता रहती है, नहीं हम कर सकते हैं, तो वह आगे बढ़ सकता है त्याग के क्षेत्र में। समय आपका हो गया है, इतना ही कहना है कि अपने को बाहरी पदार्थों को कम करना है। बाहरी पदार्थ कम करने से ही हमारा भीतरी राग कम होता चला जाएगा। ऐसा कभी भी रास्ता नहीं आएगा कि बाहर तो हम संख्या बढ़ाते चले जाएं और भीतर के राग को कम करते चले जाएं। यह वही परित मार्ग है। इस मार्ग से कभी भी मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं, और जिसकी इस प्रकार की धारणा है उस धारणा को परिवर्तित कर लेना चाहिए। अहिंसा जीव कर्म के
No, no, no.